नमस्कार दोस्तों, आज नोटपैड के फर्स्ट नंबर पार्ट के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, तो इस जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको तीनों ऑप्शन और ये जो नाम दिख रहा है, यहाँ जो बार है इसको कहा जाता है टाइटल बार कहा जाता है, और सिंपली यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको पांच, इनको कहा जाता है मेन्यू बार कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं कोई भी टाइप कर लेता हूं, जैसे मैंने कर दिया राजस्थान इंडिया। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में लेना है तो आप शिफ्ट को प्रेस करके रखिए और फिर आप टाइप कीजिए। देखो, मैंने शिफ्ट को प्रेस करके टाइप किया, कैपिटल लेटर टाइप हो जाएगा, चाहे वो स्मॉल लेटर में ही ऑन हो चाहे कैपिटल लेटर ऑन नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कैपिटल लेटर ऑन है और अगर आप शिफ्ट दबा रहे हो तो आपके स्मॉल लेटर में टाइप करेगा, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर कैप्स लॉक ऑफ है, शिफ्ट दबाते हो तो बड़ी एबीसीडी में आएगा। कैप्स लॉक ऑफ है और शिफ्ट दबाते हो तो बड़ी एबीसीडी में आता है, और कैप्स लॉक ऑन है और शिफ्ट दबाते हो तो छोटी एबीसीडी में आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां से न्यू के द्वारा नया आता है। जैसे मैंने न्यू किया, ये कह रहा है आपने जो बना रखा है इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर दो, और नहीं करना चाहते तो डोंट सेव कर दो, और इस बॉक्स को हटाने के लिए आप कैंसिल कर दो। मैंने कर दिया डोंट सेव, ये सेव नहीं होगा। मैंने लिख दिया राजस्थान। ठीक है, सिंपली यहां से मैंने क्लिक किया, मैंने कर दिया न्यू विंडो। न्यू विंडो देखो, आप देख सकते हो ऐसा का ऐसा ब्लैंक नोटपैड, सेम ऐसा का ऐसा ही नोटपैड दूसरा और ओपन हो जाएगा, मतलब नई विंडो आ गई। ठीक है, तो यहां से अपन न्यू विंडोज के द्वारा अपन इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की है, ये कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्ट की है। आगे अपन देखते हैं कि जैसे ये मैंने लिखा, लिखने के बाद में मैंने इसको कर दिया सेव, तो सेव के ऊपर क्लिक करके मैंने इसको सेव कर दिया। एक नंबर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, मेरे डेस्कटॉप पे जाके देख सकते हो आप, सेव हो रहा है। डेस्कटॉप के ऊपर जाके एक नंबर के नाम से ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। वो एक नंबर यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर एक नंबर क्यों आया, जिस नाम से आप सेव करते हो वो नाम यहाँ पे आ जाता है। मैंने नया ओपन किया, ये लो जी, अगर मैं न्यू विंडो करता तो ऐसा का ऐसा ही नया नोटपैड और ओपन हो जाता। अब आता है ओपन। ओपन में क्या होता है, जो आपने सेव कर रखा हो उसको ओपन कर लो। जैसे भी अपन ने सेव किया था एक नंबर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, वही राजस्थान लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अगर आप एक चीज नोट करो तो यहाँ पर एक और सेवेज, देखो सेव से तो क्या होता है, पहली बार सेव होता है। अच्छा, मैंने इसमें इंडिया लिखा, क्या ये इंडिया इसके साथ सेव हुआ राजस्थान के साथ, बिल्कुल भी सेव नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी तक अपन ने दोबारा सेव के ऊपर क्लिक ही नहीं किया, तो ये सेव नहीं हुआ। अच्छा, जैसे मैंने इसको सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, अभी क्या हो गया इसके साथ राजस्थान के साथ ये भी सेव हो गया। अच्छा, मैंने किया जयपुर, तो ये जयपुर सेव हुआ नहीं। आप अगर विश्वास नहीं तो आप न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको डोंट सेव कर दीजिए, और जब आप ओपन करोगे तो वो राजस्थान भी लिखा हुआ आएगा और इंडिया भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन जयपुर लिखा हुआ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको आपने सेव ही नहीं किया। अगर आप जब कोई भी चेंजेज करते हो उसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। जैसे एक नंबर के नाम से सेव है, इसको अगर और दूसरे नाम से सेव करना है तो अपन सेवेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया दो नंबर, तो ये फाइल जो सेम है ये एज इट इज कॉपी होके दो नामों से हो गई, एक तो एक नंबर और एक दो नंबर। जब आप ओपन में जाओगे तो चाहे आप एक नंबर को ओपन करो चाहे दो नंबर को ओपन करो, बात एक ही है, दोनों में एक ही मैटर है। क्यों, क्योंकि सेव से जो फाइल एक नाम से सेव है उसी को दूसरे नाम से सेव किया जाता है, इस प्रक्रिया को सेवेज कहा जाता है। मैं ओपन कर लेता हूं, सिंपली मैंने ये ओपन कर लिया दो नंबर, देखो वही एक नंबर वाला सेम एज इट इज डेटा ओपन हो गया। अच्छा, पेज सेटअप, यहां से आप जब प्रिंट निकालते हो इस डेटा का तो यहां से आप पेज सेटअप कर सकते हो, यहां से आप पेज की साइज सेट कर सकते हो। यहाँ जो लेफ्ट साइड में मार्जिन है इसको 0.25 से ज्यादा लिखेंगे तो ये मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, और इसी प्रकार से राइट में, इसी प्रकार से टॉप में, इसी प्रकार से बॉटम में 0.25 से ज्यादा लिखेंगे तो ये मार्जिन ज्यादा छोड़ेगा और कम लिखेंगे तो कम छोड़ेगा। पोर्ट्रेट यानी खड़ा पेज होता है, और लैंडस्केप यानी आड़ा पेज हो जाता है। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने को पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे 0.50 कर दिया, देखो 0.50, ये देखो ज्यादा मार्जिन छोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चेंजेज कर सकते हो। आगे देखते हैं प्रिंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्या निकालने लग जाएगा, ये प्रिंट निकालने लग जाएगा।
एग्जिट एग्जिट में आप नोटपैड से बाहर हो जाओगे। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा, यहां पे लिखा जयपुर, यहां पे फिर मैंने लिखा अजमेर। ठीक है, मैंने यहां से इनको अंडू किया, अंडू करते हैं, देखो ये गायब हो गया, देख सकते हो आप दोनों नाम गायब हो गए, जयपुर और अजमेर। वापिस में अंडू के ऊपर क्लिक किया, वापिस आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अंडू के द्वारा जा रहा है, इसकी शॉर्ट की क्या, कंट्रोल जेड, और इसी के द्वारा आ रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूं, अंडू और रीडो अलग अलग ऑप्शन होते हैं। नोटपैड में अंडो और रीडो का, दोनों का काम अंडो ही करता है। ठीक है, लेकिन वैसे रीडो के द्वारा, अंडो के द्वारा जाता है और रीडो के द्वारा आता है। अंडो की शॉर्ट की जो है वो मैं बता देता हूं, अंडू की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडो की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस वाई, इसकी शॉर्ट की है। आगे देखते हैं अपन, जैसे कट, कट यानी काटना, जैसे आपने शब्द को सिलेक्ट किया माउस के द्वारा या आपने कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्ट करने के लिए, मैं आपको अलग से बता दूंगा अभी कैसे सिलेक्ट करना है। कट के द्वारा यहां से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जहां पे भी आप क्लिक करोगे वहां पेस्ट के द्वारा आ जाएगा। फिर मैंने दोबारा पेस्ट किया, फिर आ गया, फिर मैंने पेस्ट किया, आ गया। जितनी बार आप पेस्ट करते जाओगे उतनी बार ये आता जाएगा। आपने कट एक बार किया था, पेस्ट चाहे जितनी बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने इन दोनों को, इंडिया और जयपुर को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया कॉपी, कॉपी में ये भी रह गया। कट में क्या हो रहा था, कट रहा था और पेस्ट के द्वारा आ रहा था, कॉपी में जो पहले वाला है जिसको सिलेक्ट किया वो भी रह जाएगा और पेस्ट के द्वारा नया वाला भी आ जाएगा। फिर मैंने क्लिक किया, फिर मैंने क्लिक करके मैंने कर दिया पेस्ट, जितना पेस्ट करोगे उतनी बार आता जाएगा। जैसे मैंने इन दोनों नामों को सिलेक्ट किया, अगर मैं यहां से डिलीट करता हूं तो ये गायब हो जाता है। कुछ विद्वान ये भी कह सकते हैं कि हम कट भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हैं, लेकिन कट के बाद में अपन क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो कट एक अलग चीज है और डिलीट एक अलग चीज है। हो सकता है आपने पहले से कॉपी कर रखा हो जिसकी आपको बार बार में जरूरी पड़ती हो और आप उसको पेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे में अगर कट कर दोगे तो पेस्ट करोगे तो जो कट किया है वही आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि डिलीट अलग चीज है और कट अलग चीज है। अब बात आती है कि सेलेक्ट कैसे करेंगे। जैसे आपका कर्सर यहाँ पे है तो आप शिफ्ट दबा के लेफ्ट की एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो लेफ्ट वाला सिलेक्ट हो गया। फिर एक बार फिर मैंने लेफ्ट किया, फिर मैंने लेफ्ट किया, फिर मैंने लेफ्ट किया, देखो सिलेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने शिफ्ट दबाया राइट की तरफ लेके गया, देखो राइट की तरफ सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा, शिफ्ट को दबा के किया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने यहां से इनको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं ताकि मैं आपको और सही समझा सकूं। ठीक है, मैंने ये लिखा, मैंने शिफ्ट के द्वारा सिलेक्ट किया, ये एक 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 कैरेक्टर सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा, कंट्रोल और शिफ्ट दबा के मैंने लेफ्ट क्लिक किया, ये देखो एक एक वर्ड सिलेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो अपन ने देखा शिफ्ट के द्वारा एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट होता है और कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के अगर करते हैं तो एक एक पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा सर, इधर लेफ्ट दबाते हैं तो इधर हो रहा है, अच्छा इसी को राइट कर दो वापिस हट जाएगा, ये देखो लेफ्ट लेके गया, हो रहा है, राइट क्लिक किया, हट गया। ऊपर करेंगे, जैसे यहां तक ले गया, ऊपर करेंगे, ठीक है, नीचे करेंगे, यहां से नहीं होगा, ठीक है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, ऊपर वाला लाइन सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जो अपन आगे बात करेंगे। अभी आपको सिंपली इतना ही समझना है कि शिफ्ट के द्वारा एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट होता है, कंट्रोल शिफ्ट के द्वारा एक एक वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डिनर तक पूरा कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है सारी प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा जो इसके साथ आपको समझना चाहिए वो समझना चाहिए, फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट ऑप्शन है, यहां से आप जो ये फॉन्ट है स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। किसके अंदर, फॉर्मेट के अंदर सेकंड नंबर ऑप्शन अपन ने देखा फॉन्ट, फॉन्ट के द्वारा यहां से आप साइज बड़ी, ये देखो यहां पे सैंपल दिखा रहा था, ये देखो साइज बड़ी, ये देखो साइज काफी ज्यादा बड़ी हो गई, थोड़ी ज्यादा ही बड़ी हो गई है। तो यहां पे मैं इसको वापस छोटे करना जानता हूं, आपको भी बता देता हूं कैसे छोटे करना है। यहां से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पे अपने पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। डायलॉग बॉक्स के द्वारा क्या होता है, यहां से जैसे मैंने कर दिया 22 23 24 25 26 जो भी करना है, यहां से अपने यहां पे सैंपल दिखा रखा है, जो भी स्टाइल पसंद आएगी वो ले लेंगे और जो भी स्टाइल पसंद आए वो यहां से लेके, जैसे मेरे को ये पसंद आ गई ये लेना है, लेने के बाद में क्या करना है, ओके करना है सिंपली। इस प्रकार से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।